जब से यूएसए ने इसराइल के सॉवरेनिटी क्लेम को एक्सेप्ट किया है गोलन हाइट एरिया में, तब से ये एरिया काफी सुर्खियों में रहा है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है आपके सीरिया और इसराइल के बीच में। वैसे तो इस एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है आपका इसराइल 1967 की सिक्स डे मिडिल ईस्ट वॉर के बाद से ही। यहाँ पर हम इसके कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि इसके वेस्ट साइड से आपको रिवर जॉर्डन पास करती हुई दिखती है, यहीं वेस्ट में आपको सी ऑफ गलीली भी देखने को मिलती है। इसके साउथ में यहाँ पर आपको यारमुक रिवर देखने को मिलती है, वेयर एज ईस्ट में इस साइड आपको यूएन कंट्रोल्ड एरिया देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है वादी रकाद, ये भी आपको ईस्ट साइड देखने को मिलेगा। इसके नॉर्थ में माउंट हेरमोन है और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो यहाँ पर लोकेटेड है वो है नॉर्थ में लेबनान, वेस्ट में इसराइल और साउथ में जॉर्डन। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।